नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शशांक भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में एक सरपंच और उसके बेटे की हत्या की निंदा की है। मीडिया से बातचीत में अब्दुल्ला ने कहा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसी बीच वो बीजेपी पर हमला करना भी नहीं भूले। उन्होंने बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए, हम तो अपने देश में ही रहेंगे। जब फारूक से यूपीए के प्रधानमंत्री के दावेदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह यूपीए की बैठक में तय होगा। किलिंग इज अ बैड थिंग, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हर एक को हक है जिंदा रहने का। मेरा वतन है, मैं अपने वतन में रहूंगा। और जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जाना चाहिए, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। इन्होंने अपनी राय कह दी है कि राहुल गांधी बनना चाहिए। ये फैसला जो है, जब पार्टी मिलेगी, यूपीए मिलेगा, यूपीए फैसला करेगी कौन प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो सकता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में सरपंच और उसके बेटे और नंबरदार की हत्या की निंदा की और कहा कि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस जानबूझकर ऐसी घटनाएं करवा रही है जिससे लोगों के दिलों में भय पैदा हो। मुफ्ती ने कहा कि राज्य के युवाओं को इस ओर सोचना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि 3 दिन बाद दक्षिण कश्मीर में आम चुनाव होना है। आज इनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में ये लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अगर लोग निकलेंगे तो इनके खिलाफ वोट डालेंगे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, तो इन्होंने अब बंदूक का इस्तेमाल किया है। जहां जहां इनको लगता है पीडीपी का इलाका ज्यादा ताकतवर है, वहीं ये टेरर फैला रहे हैं। अगली खबर भी जम्मू से है। सरपंच और उसके बेटे सहित 3 लोगों की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के पंचायत अध्यक्ष सफीक मीर ने कहा है कि इन सभी घटनाओं के पीछे उमर अब्दुल्ला सरकार की विफलता है। उन्होंने कहा कि ये सब मतदान में बाधा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है जिससे घाटी में चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारा जा सके। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला सरकार चुनाव से डर रही है। मीर ने निर्वाचन आयोग से घाटी में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है। पोल प्रोसेस को डिरेल करने की खातर हमला किया। हमारे 10 लोग इस वक्त तक मारे जा चुके हैं, 15 के करीब लोग जख्मी हुए। न ही रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोई कदम उठाया, न भारत की यूनियन गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाया। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर भी फ्री एंड फेयर पोलिंग हो, तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर फ्री एंड फेयर एंड सिक्योर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। मोदी की खिदमत में विवादास्पद बयान देने वाले बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। झारखंड पुलिस ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और इसी बीच चुनाव आयोग की राज्य इकाई ने भी नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को गिरिराज के भड़काऊ भाषण पर अपनी रिपोर्ट भेजी है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके जोजोरिया ने कहा कि कानून के अनुसार गिरिराज पर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि गिरिराज ने अभी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट भेज दी गई है, वहाँ पर पूरा वीडियो वगैरह धारा के ऊपर है। वो तो मेरे ख्याल धाराएं शायद एनडीडब्ल्यू नॉन रिलेबल धाराएं शायद उसमें है। इशू हुआ तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। ये दौर जनता की आंखों का तारा बनने का है, तो ऐसे में नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। मीडिया, वेबसाइट या फिर सोशल साइट्स के जरिए जनता के करीब पहुंचना चाहते हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों में इसे लेकर घमासान भी मचा हुआ है। कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद ने भाजपा पर आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक हो या वेबसाइट या फिर प्रिंट, हर अभियान सामग्री के माध्यम के द्वारा बीजेपी प्रचार कर रही है और कांग्रेस से ज्यादा खर्च कर रही है। छत्तीसगढ़ में हम लोग इंप्रूव कर रहा है। हर चैनल देख लीजिए, वी चैनल में क्या है, वो डांसिंग चैनल एमटीवी वीटीवी आता है ना, उधर में भी है। आप तुलना कर लीजिए, हमारा उसका 10% भी नहीं चल रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सपा सुप्रीमो और आजमगढ़ सदर से लोकसभा के प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव ने अपना नामांकन करने के बाद आजमगढ़ के आईटीआई मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मुलायम सिंह ने कहा कि मोदी ने कोई काम नहीं किया, उन्होंने 11 साल पहले ही गुजरात में मेट्रो चलाने की घोषणा की थी जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है और हमने लखनऊ में इसकी शुरुआत भी कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर कहीं महंगाई है तो गुजरात में है, हमने उत्तर प्रदेश को वैट फ्री करा है। मुलायम सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गुजरात में 45% महिलाएं बीमार हैं, पीने का पानी का कोई इंतजाम नहीं है। वहीं मुलायम सिंह लोक लुभावन वादे करते भी नजर आए। मुलायम सिंह ने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, गरीबों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी।
हर बाप नमले उत्तर प्रदेश का घर का विभाग उत्तर प्रदेश में पढ़ेगा और की संपूर्ण पढ़ाई मुक्त 45% महिलाएं कुपोषण की शिकार है। बुरी हालत है गुजरात के अंदर। गुजरात में 70 जिलों में पानी पीने के लिए कोई इंतजाम नहीं, लोग प्यास मर रहे हैं। आप गुजरात बनाओगे? वो तो मैं तो देख चुका हूँ गुजरात कैसा बनाया। नरेंद्र मोदी के गुजरात के विकास का झूठा प्रचार। वैसे तो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर सभी पार्टियां खुद को प्रतिबद्ध बताती हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे बीजेपी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह ने कुछ इस तरह से महिलाओं के सम्मान पर ध्यान दिया कि अमित शाह ऊपर कुर्सी पर बैठे थे और पैरों के नीचे बैठी थी हाथरस भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष, चेयरमैन और संगठन को मजबूत करने वाली आई तमाम महिलाएं। ये प्रधानमंत्री बन जाए युवराज और देश पर संकट आए तो क्या करेंगे, मम्मी मैं क्या करूंगा। आने वाले 24 अप्रैल को कन्नौज लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। जहां कन्नौज पुलिस प्रशासन लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं यहां की पुलिस मुख्यमंत्री की सुरक्षा को भी ठीक से नहीं संभाल पा रही। दरअसल घटना उस समय घटी जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ जनपद कन्नौज में चुनाव प्रचार के आखिरी पड़ाव पर कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से उतरने से पहले ही सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस के घेरे को तोड़कर हेलीपैड में घुस गए। बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनावी सरगर्मी में नेताओं की जुबान तो फिसलती ही जा रही है। ऐसा लगता है कि विवादित बयानबाजी की कोई प्रतियोगिता से शुरू हो गई। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के हाथरस के सादाबाद में चुनावी एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने तो अमर्यादित बयान देने के सबको पीछे ही छोड़ डाला। दरअसल नेताजी एमपी की ताकत समझा रहे थे। एमजी लाल ने कहा कि एमपी एक टेलीफोन से अगर कलेक्टर की पेशाब ना निकल जाए तो एमपी किस काम का, उसे यही नहीं पता कि उसका पद की क्या वैल्यू है। एमपी के टेलीफोन से अगर कलेक्टर का पेशाब ना निकल जाए तो सारा किस बात का एमपी है, बेकार ऐसा होगा। ये तो इस देश के नेताओं की जुबान है। जनपद बदायूं के थाना बिसौली क्षेत्र में एक दबंग आशिक ने एक तरफा प्यार में 14 साल की नाबालिग लड़की से जबरन शादी कर ली। गौरतलब है कि लड़की 2 महीने से गायब थी। लड़की के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने लड़की को बरामद कर विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, लेकिन दबंग आशिक अब तक फरार है। दरअसल बीते 14 फरवरी को एक दबंग युवक ने लड़की को जबरन किसी मंदिर में ले जाकर ब्याह रचा लिया। लड़की को लेकर अज्ञात जगह पर रहने लगा। पुलिस के आला अधिकारी को कहना है कि लड़की को बहलाया गया था, साथ ही साथ अगली कार्रवाई के लिए पीड़ित लड़की और युवक को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मेरी लड़की 14 साल की है साहब, राजकीय अंत कॉलेज में पढ़ती है साहब। मनीष नाम का लड़का साहब 14 फरवरी को ले गया था। मैंने कहा था मेरी लड़की 14 साल की है, नाबालिग का मान लो, तो वो कह रहा है जबरदस्ती की शादी हम करा लेंगे। घर का मानने की बराबर मुझे धमकी आ रही है। मामला बालिग और नाबालिग का है, हम लोग मेडिकल भी करा रहे हैं और जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो उसके परवारी दे रहे हैं दोनों चीजों को लेकर, उसमें माननीय उच्च न्यायालय के कुछ निर्देश है उसी मुताबिक हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।